हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATS ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपके लिए 9th क्लास की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। सबसे पहले जो हम वीडियो अपलोड करेंगे 9th क्लास की, वो चैप्टर है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि अलग अलग वेराइटी की, अलग अलग शेप, साइज और बनावट की चीज़ें रखी हुई हैं। हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो एक मटेरियल की बनी हुई है, जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है मैटर। जैसे जो हवा हम सांस में लेते हैं, खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी पानी की छोटी सी जो बूंद है, और एनिमल्स, सभी जो हैं वो बने हुए हैं मैटर से। अब जानते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग, यानी कोई भी चीज जो कि कोई जगह स्पेस घेरे, यानी जगह को घेरे और उसमें मास हो और उसको हम सेंस कर सकें, वो चीज कहलाती है मैटर। अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर, यानी हमारे पुराने समय के जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उनके द्वारा जो मैटर है एक फॉर्म है कि जो कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, उनको नाम दिया है पंच तत्व। उस 5 तत्व में आते हैं एयर, अर्थ, स्काई, वाटर और फायर, यानी आग। 5 तत्व हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, यानी हमारे इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो 5 बेसिक, ये जो 5 तत्व हैं बेसिक, इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं। जो पुराने समय के ग्रीस के फिलोसफर थे वो भी इसी क्लासिफिकेशन पर आए थे मैटर के। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया मैटर्स का, जो कि बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर और केमिकल नेचर पर। तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन मैटर्स का, जो कि डिपेंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर और केमिकल नेचर पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। सबसे पहले जो हमें फिजिकल नेचर में पढ़ना है मैटर के, वो पढ़ना है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि ब्लॉक रहता है वुड का, यानी लकड़ी का। जबकि दूसरे साइंटिस्ट ने सोचा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम पता करते हैं कि जो मैटर होते हैं पार्टिकल्स के, वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके द्वारा हम जानेंगे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस होते हैं या पार्टिकुलेट होते हैं। एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, तो वही उसी के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले आपको 100 ml वाटर लेना है, उसको फिल करना है हाफ। फिल करने के बाद हमें 1 स्पून शुगर या फिर सॉल्ट लेना है। अब उस शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर रहा है। डिजोल्व करने पर हमें क्या पता चलेगा कि जो सॉल्ट था वो डिसअपियर हो गया। क्यों? तो इसका आंसर अगर हम पता करेंगे तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जो मैटर है वो बने होते हैं पार्टिकल से, यानी जो मैटर है वो पार्टिकुलेट होता है, यानी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो सेकेंड पढ़ना है हमें फिजिकल नेचर में, पढ़ना है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपने देखा जो पानी होता है, यानी पानी के पार्टिकल्स के बीच में सोल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो गए, तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो कितने छोटे हो सकते हैं वो पढ़ेंगे अब इसमें। तो हमें जो है इसके लिए एक एक्टिविटी फिर से परफॉर्म करनी है। ये एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, वही एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, यानी समझाएंगे। हमें जो है 2 से 3 क्रिस्टल लेनी है पोटेशियम परमैंगनेट की, और उसे डिजोल्व करना है 100 ml वाटर में। जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट की 2-3 क्रिस्टल 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो जो वाटर वो कलर्ड हो जाएगा। उस कलर्ड वाटर में से 10 ml वाटर में लेना है, और दूसरे क्लियर वाटर में, जो दूसरा बीकर है उसके क्लियर वाटर में हमें वो डिजोल्व करना है। तो हम देखेंगे वो जो दूसरा बीकर है वो भी कलर्ड हो जाएगा। देन हमें फिर से 10 ml लेना है, और फिर से नेक्स्ट क्लियर बीकर में हमें वो डिजोल्व करना है। तो ये एक्टिविटी हमें 5 से 8 टाइम परफॉर्म करनी है। क्या जो कलर है वो तब भी विजिबल होगा? हाँ, वो जो कलर है वो विजिबल रहेगा, क्योंकि
जो पोटेशियम परमैग्नेट है इसके एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कलर्ड कर सकती है, लगभग 1000 लीटर को भी। तो इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग लाखों टिनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जगह होती है। अभी हमने दो एक्टिविटी परफॉर्म की थी, पहले जो था कि हमने पानी में सोल्ट और सुगर डिजोल्व की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो सोल्ट पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में सेट हो गए। दूसरा हमने पढ़ा था पोटेशियम परमैग्नेट, जब हमने डिजोल्व किया वाटर में तो पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स थे वो भी पानी के बीच में जो स्पेस है उसमें डिजोल्व हो गए। तो जब हम घर पर कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एक प्रकार के पार्टिकल्स हैं मैटर के वो दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स ऑफ मैटर में डिजोल्व हो जाते हैं या फिर सेट हो जाते हैं। तो इस वजह से इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं घरों में, तो जो अगरबत्ती होती है पहले हमने अगरबत्ती को ऐसे ही रखा तो क्या उसकी स्मेल आएगी? नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसे बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो अगरबत्ती है उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो सेकंड एक्टिविटी देखते हैं कि हमने एक तरफ गर्म खाना लिया और दूसरी तरफ ठंडा खाना, किसकी स्मेल पहले आएगी? ऑब्वियसली गर्म खाने की। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं यानी जो स्मेल है वो स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक एक्टिविटी भी की थी उसी के आधार पर है, पोटेशियम परमैग्नेट को गर्म पानी में डिसॉल्व करना है और ठंडे पानी में, तो किस वाटर में यानी गर्म में या ठंडे में सबसे पहले जो है डिसॉल्व हो जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट? तो आपका आंसर होगा कि हॉट वाटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता चलता है, तीनों एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं कंटिन्यूसली। तीनों एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलता है पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं कंटिन्यूसली क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ना है हमें वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो एक एक्टिविटी की कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हम समझते हैं, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो कि एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है उन्होंने बैक से, जैसे ईदू मिसमी डांसर्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सेकेंड ग्रुप ने सिर्फ हैंड्स को होल्ड किया हुआ है, थर्ड ग्रुप ने सिर्फ फिंगर टच किए हुए हैं। इनमें से तीनों में से फोर्स किसमें ज्यादा होगा? तो जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट जो है एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इन ह्यूमन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सी चेन सबसे पहले टूटेगी? ऑब्वियसली जिन्होंने फिंगर टच किए हुए हैं, और किसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स होगा वो है फर्स्ट ग्रुप वाले, उनके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स होगा। एक और एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं, जैसे आपने एक आयरन नेल ली है और एक पीस लिया है चौक का और रबर बैंड, तो हमें इन्हें ब्रेक करना है, किसी को हैमर के द्वारा, किसी को कटिंग के द्वारा, किसी को स्ट्रेचिंग के द्वारा, तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि आयरन नेल में। नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे आपको एक कंटेनर में वाटर लेना है, वाटर की सतह को काटना है, क्या आप वाटर की सतह को काट पाएंगे? आंसर इज नो, आप वाटर की सतह को नहीं काट सकते। अगर आप काटते हैं तो जो वाटर की सतह है वो फिर से ज्वाइन हो जाती है। यानी इन तीनों एक्टिविटीज के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के उनके बीच में फोर्स जो है एक्ट करता है। इस तरह का जो फोर्स है ये ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक साथ जोड़े रखता है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो वेरी करती है, डिपेंड करती है
कि किस प्रकार के मैटर से सब्सटेंस बना हुआ है। हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।